बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे ममलिकत पाकिस्तान का मुख्तसर तआरुफ़। तो अभी हमने वो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो है पाकिस्तान का हदूद अरबा। पाकिस्तान की वैसे होना चाहिए हदूद अरबा। हदूद अरबा का मतलब क्या होता है? हदूद हद की जमा है, जिसका मतलब है बाउंड्री, सरहद, बाउंड्री वॉल, ठीक है। और अरबा जो है इसका मतलब होता है फोर, चार, यानी पाकिस्तान की जो चारों तरफ से बाउंड्री है या जो सरहद है वो किन किन ममालिक से जाकर कैसे कैसे मिलती है, उसकी चारों तरफ कौन कौन से ममालिक हैं। तो हदूद अरबा का क्या मतलब है कि पाकिस्तान की चारों तरफ जो बाउंड्री है वो किन किन ममालिक से मिलती है। जो पाकिस्तान का हदूद अरबा यूँ है, इसके शुमाल में अवामी जमहूरिया चीन है। शुमाल में क्या है? अवामी जमहूरिया चीन। चीन के शुमाल में कोकराक्रम के बुलंदों वाला पहाड़ हैं, जिनमें केटू की मशहूर बुलंद तरीन चोटी है। कोकराक्रम के इन बुलंद सिलसिलों के आगे अवामी जमहूरिया चीन है, जिसकी 592 किलोमीटर सरहद पाकिस्तान से मिलती है। चीन के साथ हमारे बरादराना तल्लुकात हैं, बरी और हवाई रबता भी है, और दोनों ममालिक के दरमियान शाहराह रेशम यानी एक मशहूर शाहराह, मशहूर सड़क बनाई गई है, और इसने इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब कर दिया है। पाकिस्तान की भारी मशीनरी की सनत दीगर शोबों में दोनों ममालिक में तआवुन जारी है। चीन से रेशम, कपड़ा और मशीनरी वगैरह दरामद की जाती है। उसके बाद है जी, अगला है रूस। चीन के मगरब में रूस की इश्तराकी हुकूमत है, और इसने रूसी तुर्किस्तान की इस्लामी रियासतों पर कब्ज़ा जमा रखा है। ये इस्लामी रियासतें इस्लामी तहजीब व तमदन का गवारा थी, और रूस ने 1979 में अपनी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल कर दी। पाकिस्तान में मदाखलत का ख़तरा बढ़ गया। रूस गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए ईरान और पाकिस्तान को जहरियत का निशाना बना सकता था। चुनाचे उस वक्त जनरल मोहम्मद ज़ियाउलहक ने रूस को अफगानिस्तान में रोकने का अज़्म किया। इस तरह अफगानिस्तान में रूस की कुव्वत का शिराजा बिखर गया। लेकिन जो रूस है, रूस के पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छे तल्लुकात नहीं है, क्योंकि रूस एक गैर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है, तो कभी भी जो है वो गैर मुस्लिम मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। उसके बाद अगला है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के मगरब में, पहले हमने पढ़ा था ना शुमाल में, अब मगरब, मगरब में अफगानिस्तान है। यह हमारा करीबी हमसाया मुल्क है, और एक माहदे की रूप से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकिल सरहद की निशानदेही कर दी गई है, जिसे डेवन लाइन कहते हैं। इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। दोनों मुल्कों के दरमियान सदियों पुराने मजहबी, सकाफती और तजारती ताल्लुकात हैं। उसके बाद है जी मगरब। पाकिस्तान के मगरब में ईरान वाक़िया है। ईरान की सूबा बलूचिस्तान के साथ 800 किलोमीटर लंबी सरहद मिलती है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, और ईरान के बारे में एक मुनफरद बात यह है कि ईरान वो पहला मुल्क था जिसने ममलिकत पाकिस्तान को 1947 में सबसे पहले तकसीम किया और महाजरीन की आबादी के लिए भरपूर हमारी मदद की। उसके बाद है जी मुस्लिम ममालिक। खलीज फारस के साथ अरब अमारात हैं, और आगे इराक, सऊदी अरब, उर्दन और शुमाली अफ्रीका के इस्लामी ममालिक हैं। इन तमाम ममालिक से पाकिस्तान के खुशगवार और बरादराना तल्लुकात हैं। फिर है मशरक। पाकिस्तान के मशरक में भारत वाक़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2200 किलोमीटर लंबी मुश्तरक सरहद है। दोनों मुल्कों के तल्लुकात हमेशा से ख़राब रहे हैं, शुरू ही से। क्या है, पाकिस्तान के वक्त से भारत ने पाकिस्तान को कभी दिल से तकसीम नहीं किया, और हर मौके पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दोनों ममालिक के दरमियान में 1948, 1965 और 1971 में जंगें भी हो चुकी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भारत की हठधर्मी का नतीजा है। और अब भी भारत कश्मीर पर अपना एक तरफा तसल्लुत जमाए हुए है और उनको मुसलसल परेशान किए हुए है।
मशरक़ी मुस्लिम ममालिक आगे है। भारत के मशरक़ में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलाशिया और दारुसलाम ब्रुनेई वाक़े हैं। इन ममालिक से पाकिस्तान के बरदराना खुशगवार तल्लुकात हैं। उसके बाद है जनूब। पाकिस्तान के जनूब में बहिरा अरब है, जो पाकिस्तान को अरब ममालिक से मुंसलिक किए हुए है, और पाकिस्तान की मशहूर कराची की बंदरगाह भी यहाँ पर वाक़े है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हदूद अरबा के बाद हमने पढ़ना है जी, अगली चीज़ है वसत, कि पाकिस्तान का रकबा, इसकी वसत कितनी है। तो वसत के अतबार से पाकिस्तान 24-37 डिग्री शुमाली अर्जबल्द और 61-75.5 डिग्री मशरकी तूलबल्द के दरमियान फैला हुआ है। इसका रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है और इसमें से 4,68,000 मुरबा किलोमीटर पहाड़ी इलाका है और 3,28,000 मुरबा किलोमीटर हमवार मैदान है, जो दरियाए सिंध का मैदान कहलाता है। इसकी लंबाई कमोबेश 1,440 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। उसके बाद जी जुदागाना खित्ता, यानी पाकिस्तान जहाँ पर वाक़ है, ये खित्ता जो है वो जुदागाना है। जुदागाना है मतलब ये शुरू से ही एक अलग है, इसको कोई भी अपने अंदर डाल नहीं सका। तारीख बताती है कि पाकिस्तानी इलाके हमेशा से भारत से अलग रहे हैं और इनको जुदागाना हैसियत रही है। अलबत्ता बहुत अरसा ये भारत के हिस्सा भी रहे, लेकिन वो फौजी ताकत की बलबूते पर भारत ने उन्हें अपने अंदर ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की। अब एक और चीज़ से हमें पता चलता है पाकिस्तान की जुदागाना अहमियत का, इसकी जुदा होने का, कि ये शुरू ही से दूसरे ममालिक से, भारत से जुदा है, वो है सिंध की कदीम तहजीब। तो सिंध की कदीम तहजीब, जिसके बड़े बड़े मरकज़ मोहनजोदड़ो हैं, हड़प्पा वगैरह, तो इस तरह के आसार जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं, भारत में कभी भी इस तरह के आसार नहीं मिले। ठीक, एक और चीज़ जिस जो हमें पाकिस्तान की जुदागाना होने के बारे में बताती है, वो ये है कि सिकंदर आज़म ने, जो ईरानी सल्तनत का जानी दुश्मन था, जब इस इलाके पर 327 में हमला किया तो वो दरियाए ब्यास से आगे नहीं बढ़ा। दरियाए ब्यास तक ईरान का इलाका था और इससे आगे, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान होता है, तो सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से थे, तो वो वहाँ से वापस चला गया। तो इससे भी पता चलता है कि वो जो ईरान के इलाके हैं वो अलग हैं और ये पाकिस्तान के शुरू से इलाके हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि जब 711 में मुजाहिद इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया सिंध पर, तो उस वक्त सिंध को मेरान भी कहा जाता था। इसका दारुल हुकूमत ब्रहमना आबाद था, जिससे इस इलाके के ईरान के साथ कदीम तलुकात का सबूत मिलता है। अरब जोग्राफियादान इस इलाके को सिंध हिंद के नाम से याद करते हैं। हिंदुओं ने सिंध से अरबों को और पंजाब से गजनियों को बेदखल करने की कभी कोशिश नहीं की, मतलब वो अलग थे, तो इस वजह से उन्हें वो शुरू से इसको अपना हिस्सा ही नहीं समझते थे, इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी। अच्छा, उसके बाद है जी के पहले मुग़ल बादशाह जो थे बाबर, 1526 में इस इलाके को उसने दिल्ली के मातहत करार दिया, और मगर नादिर शाह के हमले 1739 में ये ताल्लुक फिर टूट गया। अंग्रेज़ों ने 1443 में सिंध और 1849 में पंजाब पर कब्ज़ा किया, मगर 100 बरस बाद ये दोबारा भारत से अलग हो गया और अब पाकिस्तान कहलाता है। मतलब शुरू से ये इलाके जो है ना वो भारत से अलग रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की एक जोग्राफियाई वादत है, पाकिस्तान की एक वादत है। फिर उसके बाद है जोग्राफियाई वादत। जोग्राफियाई वादत क्या है कि यानी जहाँ पर पाकिस्तान वाक़ है वो इलाके भी जो है ना वो शुरू ही से अलग हैं, और जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं वो शुरू ही से अलग हैं जोग्राफियाई लिहाज से भी। तो अर्ज़ पाकिस्तान एक जोग्राफियाई वादत ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी वादत है। कदीम हिंदू लिटरेचर में इस इलाके को एक अलग जोग्राफियाई इकाई करार दिया गया है। शुमाली बरे सगीर पाको हिंद में दो अलग अलग दरियाई निज़ाम हैं, इनमें से एक गंगा जमुना का है और दूसरा है सिंध का। तो देखिए, गंगा जमुना जो है वो भारत की तरफ चला जाता है और जो सिंध का है वो पाकिस्तान की तरफ आता है।
उसके बाद है जी कदामत, यानी मतलब कदीम होना। पाकिस्तान और वादी सिंध एक ही कदीम तहजीब, कदीम हकीकत के दो नाम हैं। वादी सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। और एक ख्याल ये किया जाता है कि हज़रत आदम के एक हम शक्ल बेटे थे शीस, उनका दूसरा नाम जो था वो सिंध था, और शीस का जिक्र तौरात में मौजूद है। कदीम इराक की तहजीब की, कदीम इराक की जो तहजीब है समेरी, उसकी नीम तारीखी दस्तान में सिंध के निशानात मिलते हैं। वुहान के आसार कदीमा से पक्की मट्टी की तख्तियों पर लिखी हुई गुलगामिश की दास्तान मिलती है। इसमें एक किरदार अपनी गुफ्तगु जबान और शायरी से सिंधी नज़र आता है। इस दास्तान में भारत में काफ़ी तहकीक हो चुकी है। तौरात में लिखा हुआ है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम सिंध से अंबर और सोना मंगवाया करते थे, और इस बात का जिक्र अलामा इब्न खुलदून ने किया है। बाइबल में सिंध का वाक्य जिक्र मौजूद है। सिंध की नफीस और मुलायम मलमल को सिंडन कहा जाता था, जो असल में सुंदन है। इस तरह सूत की बटी हुई रस्सियों का जिक्र, जो पुराने ज़माने में कश्तियों को बांधने के काम आती थी, वो भी यहाँ से ही मिलता है। तो इससे पाकिस्तान की कदामत जो इसकी तहजीब है उसकी कदीम होने का भी पता चलता है।